हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया ब्लॉग की तरह बना रहा हूँ वीडियो। जा रहा हूँ ड्यूटी, अभी देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ रोड के लेफ्ट साइड, है ना। आज ये टॉपिक रहेगा रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या हमें सीखना चाहिए दूसरों की घटना से, क्योंकि खुद पे घटित होकर अगर सीखेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, समझे ना। तो आए दिन जो घटना हो रही है उससे हमें सीख लेना चाहिए और उसका कारण जान लेना चाहिए क्यों हुआ, और उससे उसका सेफ्टी बरतना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ये इंसान का सबसे बड़ी समझ का एक समझ है। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। देखिए, आपको एक चीज़ देखा, आज मैं एक बहुत ही बड़ा लाइव घटना दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ था। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ ड्यूटी, उसी रास्ते पे हुआ था, मेरे आंखों के सामने की बात है, है ना। उन्होंने अपना प्रॉपर्टी भी खो दिया और खुद को खोया तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को भी वो डैमेज में डाल दिया। मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट जिसको बोलेंगे। देखिए, आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं ना, ये गाड़ी देखिए, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये जो गाड़ी है ये पूरी तरह से जल चुकी है, जो कि कभी बहुत ही अच्छा हुआ करते थे, इतना अच्छा कि ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। देख रहे हैं ना इसका हालत, देखिए किस तरह से पड़ी हुई है। ये बस एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से हुआ है, आप लोगों को बताऊंगा क्या मिस्टेक था उसका, है ना। आगे बताता हूँ। हाँ, तो बता रहा हूँ कि भाई साहब जो थे वो ड्राइविंग कर रहे थे इस स्विफ्ट डिजायर कार को। ये जो खंडर दिख रहे थे गाड़ी आपको ना, ये स्विफ्ट डिजायर कार है, जो कि अपने आप में एक अच्छा कार मानी जाती है। स्विफ्ट डिजायर हम छोटे लोगों के लिए तो अच्छा ही है, जिसके पास कुछ नहीं अभी। तो बता दूं कि उसमें फास्फोरस नाम का एक ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था उन्होंने, जो कि ये प्रोहिबिटेड है। गाड़ी में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आप लेके नहीं जा सकते, तो फास्फोरस नाम का पदार्थ रखे हुए थे, लेके जा रहे थे। उसमें दो लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइव कर रहा था, एक फास्फोरस को लेकर बैठा हुआ था। ओके, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे भाई साहब। हाँ, हालांकि थे अपने साइड में ही, लेफ्ट साइड में ही चला रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने क्या करा कि फास्फोरस जिस केमिकल को, जिस गैस को या कोई भी मटेरियल हम जब नहीं जानते हैं ना, तो उसको ऑपरेट करना बहुत ही दंडनीय, घातक हो सकता है। तो इसीलिए खासकर से आप गाड़ी में लेके जा रहे हैं जो कि पूरा हैबिटेड है, है ना। तो उन्होंने खोल दिया, जैसे ही फास्फोरस खोला ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट होने की वजह से पूरा गाड़ी को क्या करा, पूरा गाड़ी में आग लग गया भाई। अब सोचिए, वो गाड़ी जो कभी उसको मंजिल पे छोड़ा करती थी, वो बीच खुद फंस गई। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां जो है ना, हमें ही नुकसान में डाल देती है। तो इसीलिए दूसरों की गलती से सीखें। अगर आप भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते समय आप सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दें, ना कि अलग एक्टिविटी करें। हम देखते हैं कि आए दिन लोग ड्राइविंग करते हैं तो कान में हेडफोन लगा लेंगे, इससे क्या होगा कि पीछे कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई हॉर्न दे रहा है, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको ठोक के चला जाएगा। चाहे कुछ भी, फोर व्हीलर कर रहे हैं ड्राइव, टू व्हीलर कर रहे हो, सिक्स व्हीलर, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप ऐसा ना करें। नंबर सेकेंड, कि फिजिकल कंडीशन देख के ही चलाए गाड़ी को, एक बार चलाने से पहले इंश्योर कर ले गाड़ी सही कंडीशन में है कि नहीं है। नंबर थर्ड, कि यातायात के नियमों को पालन करें भाई। जो हमारे देश में बनाया गया यातायात के नियम, ऐसा नहीं कि आगे सिग्नल है, सिग्नल छोड़ के चले गए, है ना। तो इसमें आपका ही घाटा है ना। कहते ना कि इसमें आपका ही घाटा है, दूसरे का कुछ नहीं जाता, ठीक है भाई लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर, क्योंकि हमारा एक मिशन है, मिशन सेफ्टी ऑन द वर्ल्ड, है ना। आए दिन रोड पे लगभग 15-20% जितना भी घटनाएं हो रही है हमारे रोड एक्सीडेंट में ही हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। इसको बचाना है भाई किसी भी तरह से, वीडियो बना के लोगों को समझा के, समझ के, खुद समझ के। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक साइकिल वाली गर्ल का, साइकिल गर्ल जो कि लाइट गर्ल, साइकिल गर्ल नहीं,
ना बहुत ही बड़ा मिशन चला रही है, उस बेटी के लिए हमें भी सॉल्यूट है। तो आप लोग भी ऐसा ही काम करें, यातायात के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। आप सेफ हैं, पूरा दुनिया सेफ है।